आप सभी का स्वागत है ई आई एस एजुकेशन में। और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर जो तैयारी है वो बिल्कुल जोरों शोरों पे चल रही है। तो आज आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग के जो टैबलेट स्मार्टफोन है वो तो आप लोग को पता ही है कि नवंबर के लास्ट मंथ में जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी, और दिसंबर के फर्स्ट वीक से जो आप लोग के लिए स्मार्टफोन जो टैबलेट है वो वितरण स्टार्ट होने जा रहा है। तो किस दिन से जो वितरण होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग के जो टैबलेट आप लोग को दिए जाएंगे उसकी कीमत क्या है, फ़ोन की कीमत क्या होगी, क्या क्या उसमें फीचर है, इन सभी को लेकर सारी बातें आप लोग को बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो कि आज ही के न्यूज़पेपर में सारी जानकारी आई है, जहाँ पर आप लोग को बताया गया कि कैबिनेट के फैसले दोनों ही गैजेट में कई खूबियों से युक्त होंगे, कंपनियों के चयन के लिए नियम तय। तो यहाँ पे वो सारी बातें अभी आपको बताते हैं। इसके साथ यहाँ पे कहा गया युवाओं को अगले महीने बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट, 1,00,000 रुपए कीमत का टैबलेट दिया जाएगा और 9,000 रुपए का स्मार्टफोन की कीमत है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो कृपया करके देरी मत कीजिए, फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। आपके फॉर्म आपके कॉलेज के माध्यम से ही अप्लाई करवाए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाके फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। हमने इसको लेकर पहले ही आप लोग को बता दिया है, पूरी जो सूचना आई थी वो बता ही दी थी हमने आप लोगों को। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए की जो टैबलेट है वो आप लोग को दिया जा रहा है और 9,000 रुपए जो फ़ोन की कीमत आप लोग को दिया जाएगा उसकी होगी। तो इसलिए कृपया करके आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे क्या कहा गया वो देख लेते हैं। योगी सरकार अगले महीने से स्मार्टफोन टैबलेट बांटने जा रहे हैं, ये गैजेट कई खूबियों से युक्त होंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने 90 दिनों में 2.40 लाख टैबलेट और पीसी एवं 3.05 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए कंपनियों का चयन करने के लिए नियम शर्तें तय कर दी हैं। इससे संबंधित विड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी गई है। 25 नवंबर तक कंपनियों का चयन करके उन्हें अलग अलग आपूर्ति का जिम्मा दिया जाएगा। युवाओं को 1,00,000 रुपए का टैबलेट और 9,000 रुपए का स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आप लोग के लिए जो वितरण है वो स्टार्ट करनी है, नवंबर के लास्ट तक जो लिस्ट है वो जारी करनी है। तो यहाँ पे जो कंपनियों की ओर से आप लोग के जो वितरण है वो करवाए जाएंगे, तब इन सभी को लेकर 25 नवंबर तक जो चयन है वो कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द जो लिस्ट होगी वो भी आप लोग की जारी की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया वो भी देख लेते हैं। टैबलेट पीसी मोबाइल फोन की खासियत, टैबलेट पीसी में 2 GB की रैम होगी, 5 MP का रियर कैमरा, 2 MP का फ्रंट कैमरा लगा होगा। इसकी बैटरी भी 5000 mAh या अधिक की क्षमता होगी। इसमें ब्लूटूथ GPS की सुविधा होगी। स्मार्टफोन 6 इंच या उससे ज़्यादा का होगा। 32 GB की स्टोरेज क्षमता होगी। इसमें 8 MP का रियर और 5 MP का फ्रंट कैमरा है। इसके साथ ही 1 साल की वारंटी होगी। हर जिले में सर्विस सेंटर होगा। उद्योग विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक आपूर्ति कंपनी की आवंटित जिला में अनिवार्य रूप से सर्विस सेंटर खोलना होगा। 24 घंटे वाली हेल्पलाइन भी चालू करनी होगी ताकि टैबलेट स्मार्टफोन पाने वाले युवा संपर्क कर सके। इस खरीदारी पर मौजूद वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस प्रकार टैबलेट पीसी की 250 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन 2,250 करोड़ रुपए की होगी। सरकार की कोशिश है कि 3-4 कंपनियों का चयन किया जाए ताकि बड़ी आपूर्ति का काम कम समय में कर सके। अगर 2 से 3 कंपनियों का बिड में सफल होती है तो सरकार को 4.80 से 7.20 लाख टैबलेट मिल जाएंगे। अगर 2 कंपनी भी बिड कामयाब होती है तो 7 लाख स्मार्टफोन उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, जो आप लोग को सारी बातें बता दी गई हैं कि आप लोग के फ़ोन आपके जो टैबलेट जो पीसी उसमें क्या क्या फीचर होगा, कितने GB का आप लोग का रैम होगा, इन सभी को लेकर सारी बातें आप लोग को बता दी गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आप लोग के लिए जो टैबलेट स्मार्टफोन जो पीसी है वो आप लोग को दिया जाएगा। और 1,00,000 रुपए की कीमत है जो आप लोग को टैबलेट दिया जाएगा, 9,000 का आपका फ़ोन है फ्री में आप सभी लोगों को दिया जा रहा है। तो कृपया करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। आप लोग का जो वितरण है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ही जो डेट होगा इसमें आप लोग के लिए जो वितरण होगा वो काफ़ी तेज़ी से काम जो है वो किया जाएगा। कई जिले में जो वितरण है वो अलग अलग जिले स्तर पे वितरण है वो करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग के लिए जो वितरण होगा वो भी 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आप लोग को सुनने को मिल जाएगा कि अलग अलग जिले में जो स्मार्टफोन जो टैबलेट है जो पीसी उसका वितरण होने लगा है। इसके साथ ही अगर आप लोग के स्मार्टफोन टैबलेट पीसी में किसी तरह की कोई भी समस्या होती है तो 1 साल उसकी वारंटी होगी। तो यहाँ पे ये सारी बातें आप लोग को बता दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और जिन्होंने भी फॉर्म का अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। आप सभी लोगों को फ्री में दिया जा रहा है, इतना अच्छा स्कीम सरकार की ओर से लाया गया, तो आप सभी लोगों को इसका फायदा जरूर उठाना है। फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बाकी आप लोग को जो भी सवाल होते हैं अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर